मुंबई में समाज सेवक के रवि दादा ने बिजनेसमैन रतन टाटा का जन्मदिन कैंसर पीड़ित लोगों के साथ मनाया। इस मौके पर बॉलीवुड से अली खान, दिलीप सेन, बीजेपी नेता विशाल भगत, अलग-अलग पार्टियों से जुड़े लोग इस मौके पर पहुंचे और सभी ने एक साथ मिलकर बिजनेसमैन रतन टाटा को जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा इस मौके पर आए हुए कुछ कैंसर पीड़ित लोगों को गिफ्ट भी दिए गए। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। समाज सेवा का काम कर रहे हैं। समाज में विभिन्न तरीके की सेवाएं होती है और हम करते आए विभिन्न विषय को लेके, विभिन्न समाज को, विभिन्न प्रदेश को लेके, शहर को लेके, देश में हर जगह हमने काम किया है। पर जब से मैंने 20 साल पहले इवेंट कंपनी खोली, तो इवेंट का मतलब ये होता है कि आपको बहुत पैसा और नाम कमाना है। इवेंट का मीनिंग ही हुआ है इवेंट, मतलब चकाचौंध वाली चीज होती है। 20 साल पुरानी मेरी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, मैंने सोचा क्यों ना इवेंट के अंदर समाज सेवा की जाए। तो आज 20 साल से हम लोग अलग 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 विषयों के ऊपर पैसे न कमाते, सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से मैं ये सोच रहा था कि भाई पॉलिटिशियन लोगों के बर्थडे बनते हैं, बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं, क्रिकेटर लोगों के मनाए जा रहे हैं, मैं तो कई फिल्म स्टार लोगों के बर्थडे में अक्सर रहता हूँ, तो क्यों ना हम ऐसा बर्थडे मनाएं कि जो बर्थडे हमारे देश के इकोनॉमिस्ट वाले लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने रोजी रोटी के माध्यम से आम आदमी के लिए फैक्ट्री वगैरह डाल के, मिले वगैरह डाल के लोगों को एक नए मुकाम के ऊपर, अच्छे मुकाम के ऊपर लाके खड़ा किया। तो हमारा मुंबई शहर पूरे देश में आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई इस आर्थिक राजधानी में जिन्होंने मिले बनाई एक जमाने में, जिन्होंने फैक्ट्रियाज बनाई एक जमाने में, इनमें से कौन कौन लोग हैं, तो इनमें से काफी अच्छे अच्छे नाम मेरे सामने आए। सबसे बड़ा नाम आया टाटा ग्रुप। अब टाटा ग्रुप के नेवल टाटा तो अभी रहे नहीं, नवरोजी टाटा जी थे वो रहे नहीं, उनके जमाने से इंडस्ट्री शुरू हुई, बट रतन टाटा जी आज हमारे पास है। डाउन टू अर्थ शख्सियत है, सीधे सिंपल रहे थे और आम आदमी के अंदर बीच को अपने आप को दिखा, खुद को स्थापित करते हैं। इतना बड़ा शख्स इतना आम रहता है, तो हमने सोचा क्यों ना कि आने वाला दिन रतन टाटा जी का बर्थडे सामाजिक तौर के ऊपर मनाया जाए। हमारा देश ही नहीं, कोई भी कंट्री का देश आप लीजिएगा कि उनके यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट का बर्थडे नहीं मनाया जाता, ना किसी ने मनाया, हमारे देश ने तो बिल्कुल नहीं मनाया। तो हमने सोचा कि नहीं, हम रतन टाटा जी के बर्थडे से शुरुआत करेंगे और हर आने वाले साल में जिस जिस अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट का बर्थडे आएगा वो हमें इंडिया मीडिया लिंक इवेंट्स मैनेजमेंट के नाम से मनाएंगे। बट कोई भी चीज बनाते हुए अकेले सोच से नहीं चलता है, मेरा काम ही सामाजिक रहा है, तो मैं सबके ओपिनियन लेता हूँ, सबको इकट्ठा करता हूँ। और ये इवेंट सौभाग्यवश हमने 2 दिन में स्टैंड किया है और इतना अच्छा स्टैंड किया कि आप सबके आशीर्वाद से आज ये इवेंट यहाँ सफल हुआ। सौभाग्यवश ये कल को टाटा ग्रुप तक पहुंचता है या रतन टाटा जी तक पहुंचता है। हमारा बेस्ट विशेष तो कल उनके पास गया, उनकी सेक्रेटरी शाहनाज मैडम के पास गया, उन्होंने अच्छा आशीर्वाद दिया हमें। उनके पायलट से भी मेरी बात हो गई, सर्वे करके है, उन्होंने ही बताया कि साहब सुबह के मैं हेलीकॉप्टर चलाऊंगा, साहब ऑलरेडी फिक्स है उनके कार्यक्रम में, वो चेंज नहीं करते किसी चीज को। हमने कहा भाई वो आए या ना आए उनका ब्लेसिंग हमारे साथ रहे, क्योंकि रतन टाटा आए और बर्थडे मनाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो दुनिया के किसी के कोने में रहे। हम बाबा साहब का बर्थडे मनाते, हम शिवाजी महाराज का बर्थडे मनाए, वो हमारे साथ है क्या नहीं है ना, पर वो इतिहास बना के गए, ये हमारे साथ है, हमसे जुड़ेंगे आज नहीं तो कल, हमें आशीर्वाद देंगे और हम इसी चीज को आगे सोशल थीम लेकर सामाजिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए आज यह हमने कैंसर पीड़ित बच्चों को बुलाया है। यंग लेडीज लड़की लोग हैं उनको भी कैंसर है, कुछ एजेड लोग हैं उनको भी कैंसर है, पर वो कैंसर से पीड़ित है, हमने अपनी तरह से जो उनकी सेवा करनी थी करने का सफल प्रयास किया और उस सफलता में मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है।
मेरे सारे दोस्त मित्र जो समाज सेवक है, बड़े बड़े अधिकारी है, इनका बड़ा योगदान है और उस योगदान से आज हम यहाँ सफल हुए। मैं आवाम के जरिए, सारे हिंदुस्तान की आवाम के जरिए, स्पेशली महाराष्ट्र सरकार के नए मुख्यमंत्री, मैं उनको अभिमान से बोलूंगा कि काफी सालों बाद हमारे महाराष्ट्र को एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मिला। देखो ये बहुत बड़ी बात है, काफी सालों बाद हमारे महाराष्ट्र को एक लंदन रिटर्न पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मिला है। ये सोच अच्छे रखने वाले मुख्यमंत्री है। ऐसे मुख्यमंत्री को हम आह्वान करेंगे कि कम से कम हमारे राज्य सरकार के माध्यम से आप ये डिक्लेयर कर दो कि आने वाले दिनों में हमारे मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य के जो इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया और आज भी दे रहे हैं, देश को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका बर्थडे सरकार भी मनाए। ऐसा होता है कि देखिए, हम लोग तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी देते रहते, हमारा काम ही हुआ है। आज स्पेशली क्या था, कैंसर जैसा ये जो बीमारी है, बहुत संदिग्ध बीमारी होती है, इसको काफी गंभीरता से देख के चलना पड़ता है। आज हमने यहाँ उनको स्पेशली ये चाहिए कि हमारे साथ रतन टाटा जी के बर्थडे के माध्यम से दो निवाला खाए, हमने उनको फ्रूट्स होता है जो, वो हमने उनको दिए फ्रूट्स में, मतलब अच्छा पैकिंग करके हमने दिया, ताकि उनके पास थाली भी रहे जो खुद की रहे, जिसमें चम्मच कटोरी वगैरह होती है उनको। आज ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी के मौसम में बर्थडे होता है रतन टाटा जी का, तो ठंडी में उनको हमने चद्दर गिफ्ट किए और जो भी मेडिसिन की हेल्प है वो मेडिसिन की हेल्प हमने की। फ्यूचर प्लान कैसे होता है कि देखो, सिर्फ कैंसर पीड़ित ऐसा नहीं, अलग अलग तरीके के बीमार वाली, जैसे मैडम ने कहा कि शुगर की भी बीमार के भी काफी लोग हैं, कर्क रोग जैसे कैंसर बोलते हैं ऐसे काफी लोग हैं, तो अलग अलग बीमारी के लोग हमसे जुड़ते जाते हैं, जो हमसे जैसे बन सकता है, जो भी बन सकता है हमारे योगदान के अनुसार, वो हम उसको करने का प्रयास करते हैं। केरवी जी को तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, वो उनका अलग ही सोच के व्यक्ति हैं वो, और हमेशा कुछ दूसरों से हट के ही सोचते हैं। उन्होंने पहले, हम काफ़ी इवेंट्स कर चुके हैं जिनके ऊपर उन्होंने हेलीकॉप्टर से बच्चों को घुमाया है, जो ओल्ड हैं उनको घुमाया है, आज कैंसर पेशेंट्स के लिए इतना बड़ा जो किया है, तो उनके लिए मैं यही दुआ करूंगी कि बस उनको जल्दी जल्दी ठीक करें और इनको भी अच्छी स्वस्थ और दे आरोग्यता की दाद। नहीं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूँ। मैडम हमारे यहाँ यही जहाँ बैठे हैं वहाँ की जिला अध्यक्ष है, के रवि मेरे काफ़ी पुराने 20 साल के दोस्त हैं, और ये जो उन्होंने कार्यक्रम के इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले एक मतलब कि रतन जी टाटा जो हिंदुस्तान के स्वतंत्र के पहले और स्वतंत्रता के बाद दोनों समय तक, आज तक वो जो टाटा ग्रुप है, टाटा इंडस्ट्रीज है, एक नंबर है, और उनका आज 81th बर्थडे उन्होंने मनाया। और सेकंड थिंग कि कैंसर पेशेंट, तो कैंसर पेशेंट के लिए क्या क्या सुविधा है, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। एक डेलीगेशन सम्माननीय रवि साहब के नेतृत्व में हम लोग रहेंगे, क्योंकि 30 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार है, और उसी समय जो विस्तार में 30 तारीख के बाद हेल्थ मिनिस्टर, आरोग्य मंत्री जो रहेंगे, उसको जाके हमारा एक डेलीगेशन मिलेगा, उसके पहले हम लोग बैठेंगे और क्या 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 सुविधा है उसके बारे में हम लोग पहले सोचेंगे और उनके सामने पुटअप करेंगे, और एक लगभग एक महीने का समय देंगे, और उसके बाद हम लोग सीएम साहब को मिलेंगे। सम्माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब को भी हम लोग अपने माध्यम से मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़े जानकार हमारे वो लीडर है, और उनसे भी हम लोग कहेंगे कि आप भी ज़रा मुख्यमंत्री साहब को रिक्वेस्ट करो, उद्धव जी भी मतलब इसमें ध्यान देंगे, और सारा ही कुछ करके जहाँ के अभी हमने देखा कि कलकत्ता से लोग आ रहे, बिहार से आ रहे, यूपी से आ रहे,
महाराष्ट्र से तो लोग आते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, कोई ना कोई तो यहाँ रिलेटिव होता है, तो उनकी सुविधा हो जाती है। लेकिन मैंने काफ़ी टाइम देखा कि हम लोग भी वहीं रहते हैं, सायन कोलीवाड़ा साहब भी हम लोग बचपना वहीं गया, तो केएम हॉस्पिटल के बाजू में जो टाटा हॉस्पिटल है वहाँ पे लोग आज भी देखिए तो फुटपाथ पे रहते हैं, तो वहाँ पे उनका घर होता है। कश्मीर से कोई लोग आते हैं, कई लोग श्रीनगर से भी आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, लेकिन उनको घर की सुविधा नहीं होती। तो उसके बारे में विषय उनके लिए क्या करना है, क्योंकि उनके रिलेटिव सभी के यहाँ पे नहीं रहते, तो उसके बारे में भी हम लोग फ्यूचर में एक एजेंडा बना के कुछ पॉइंट्स रख के हम लोग सामने जाके जो भी आरोग्य मंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री साहब आई उनको जाके मिलेंगे और सबको हमारे मिलेंगे। और फिर इंडिया लिंक के माध्यम से मैं सबसे पहले टाटा रतन जी को उनके बर्थडे पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। मालिक ने उनको बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते आए हैं, ख़ास करके जो कैंसर टाटा के लिए जो उन्होंने काम किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो आज एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज बहुत सारे लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और इतना अच्छा हॉस्पिटल, जो इतनी अच्छी अच्छी मशीनें, इतना अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, तो मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद इस चीज़ का भी दूंगा। दूसरी बात, के रवि जी जिन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, आप लोगों के माध्यम से सारे मीडिया के लोग यहाँ पे आए, टाटा रतन जी का केक हम सब ने काटा, दिलीप भाई आए, हम सब लोग आए, और जो कैंसर पीड़ित हैं उनको कुछ गिफ्ट दिए गए, कुछ अभी कंबल दिए जाएंगे, शॉल दिए जाएंगे, और उनकी मदद के लिए जो काम हो सकता है रवि जी के माध्यम से हम सब लोग हाजिर हैं, जो मदद होगी करते आए करते रहेंगे। देखिए, 3 साल पहले मेरे बड़ी छोटी सिस्टर की मौत हुई, 2 साल पहले बड़े भैया की डेथ हुई इसी कैंसर पीड़ित से। चूँकि हम लोग बिहार से बहुत छोटे से गांव से हैं, वहाँ जल्दी पता नहीं चलता है कि कैंसर किस स्टेज पे पहुँचा है। जैसा कि अभी हमारी डॉक्टर मैडम ने बताया कि आप छोटे से छोटा भी कोई प्रॉब्लम बॉडी में हो तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाइए, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि डॉक्टर्स इतने अंधेरे में रख देते हैं कि नहीं इनको टाइफाइड है, इनको मलेरिया है, उस वजह से बुखार आ रही है। लेकिन बुखार आने का सबसे पहला जो मेरे हिसाब से टेस्ट होना चाहिए वो कैंसर का। हमें पता तब चलता है जब हम थर्ड स्टेज पे होते हैं, लास्ट स्टेज पे होते हैं, और यही वजह है कि मैं एक बहुत बड़ी संस्था से कैंसर में जुड़ गया हूँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, लोगों को हाईली ट्रीटमेंट के लिए करता हूँ, और महीने में 1 से 2 बार मैं टाटा हॉस्पिटल जाता हूँ। रवि जी के साथ, के रवि जी के साथ हम लोग कंबल बांटते हैं, जो टाटा हॉस्पिटल के बाहर जो गरीब लोग जो ऐसी ठंडी में ठिठुरते रहते हैं, हम लोग जाके कंबलें बांटते हैं, उनका हेल्थ के बारे में पूछते हैं, उनकी जो मदद हो सकती है कैंसर के लिए डॉक्टरों से हम लोग बात करते हैं। पे हम लोग सब जो मिले हैं यहाँ पे मीडिया के साथ, रवि साहब ने जो हम लोगों को बुलाया, अली साहब हैं, अखिलेश जी, ये सब हैं। और खास बात मैंने देखी कि देखिए जो हमारे कैंसरों का मसीहा बने टाटा जी, आज वो बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ मिलकर ये बर्थडे मनाया। तो मैं सबसे पहले तो टाटा जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा, और इन बच्चों के लिए इतना ही कहूँगा अल्लाह ताला से कि बेटे लोग आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि अल्लाह बड़ा बादशाह है, भगवान बहुत बड़ा है, आपकी बीमारी छू हो जाएगी, क्योंकि इतनी दुआएं आप लोगों के साथ है, और रवि साहब जैसे जो इतना बड़ा फंक्शन लेके चल रहे हैं और उनके साथ में इतना मीडिया है, अखिलेश जी हैं, बाकी यहाँ तमाम जो बैठे हुए हैं, तो हम तो इतना ही कहेंगे कि कलाकार होने के नाते हम अल्लाह ताला से दुआ के अलावा ये भी मांगते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत लगेगी, अखिलेश जी, रवि साहब जब बुलाएंगे हम आप लोगों की खिदमत में आएंगे, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। जब भी देश में टाटा नाम आता है तो हमें हमेशा इस बात का एहसास होता है कि एक तरह का काम करना, प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं, बातें नहीं, करप्शन नहीं। तो जहाँ टाटा का नाम आता है वहाँ हमेशा हमें लगता है हमारे पूरे मुंबई को बनाने में टाटा का हाथ है। तो रतन टाटा जी का जन्मदिन है, मेरे को, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आयुष्मान भव पुत्र, क्योंकि आप जैसे पुत्रों की हमारे देश को जरूरत है।